एचपीसी के पेट्रोल पंप। दरअसल 2500 पेट्रोल पंपों पर संकट छाया हुआ है। पेट्रोल डीजल के स्टॉक में बड़ी कटौती की गई है। कभी भी पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। तेल कंपनियों पर मनमर्जी और लोग जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। डीजल नहीं मिलने से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 2500 पेट्रोल पंपों पर संकट छाया हुआ है। पेट्रोल डीजल के स्टॉक में बड़ी कटौती करने से ये परेशानी हुई है। कभी भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं क्योंकि अब जो उनके स्टॉक हैं वो खत्म हो रहे हैं। बीपीसी और एचपीसी के पेट्रोल पंप ड्राई होने के कगार पर हैं। 2500 पेट्रोल पंपों पर यह संकट छाया हुआ है क्योंकि जो सप्लाई है उसमें बड़ी कटौती की गई है जिससे ये परेशानी सामने आई। सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि इस वक्त जो है किसानों को डीजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और डीजल की आपूर्ति में ये जो परेशानी आ रही है इससे सबसे ज़्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। चलिए तो दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं उनका और करेंगे। दीपक, ड्राई होने लगे ये पेट्रोल पंप, क्या कुछ समस्या है और क्या इसका समाधान होता नजर आ रहा है? अरे कहां से डाला है? बिल निकालो ना यार, क्या दिक्कत है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक तरफ एक्साइज ड्यूटी घटाई तो दूसरी तरफ बीपीसी और एचपीसी ने सप्लाई पर ब्रेक सा लगा दिया है। राजस्थान में एसआर और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हैं उन पर तो पेट्रोल डीजल है पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन अब इसका असर धीरे धीरे राजस्थान के बीपीसी और एचपीसी के पेट्रोल पंपों पर भी पड़ने लगा है। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर जो है जो तेल बचा है या कुछ सप्लाई आ रही है उससे लोगों को राहत है, लेकिन राजधानी जयपुर में अब ये धीरे धीरे एचपीसी और बीपीसी के पेट्रोल पंप है वो ड्राई होने लगे हैं और जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को पड़ रहा है। देखिए, क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $121 पहुंच चुके हैं। ऐसे में तेल कंपनियों का जो तर्क है वो ये है कि उनको करीब ₹26 डीजल पर और ₹5 से ₹7 पेट्रोल पर घाटा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, इसलिए शायद लगता है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है उस पर ब्रेक सा लगा दिया है। हमारे साथ राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई है सुचारू रूप से चालू की जाए वापस से, जिससे लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि खेतों में अभी जुताई का समय है, किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने क्या दिक्कतें आ पड़ी कि पेट्रोल पंप ड्राई होने लग गए एक करके? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते से ही डीजल के अंदर खास करके बहुत भारी कमी हो गई है और सप्लाई जो है वो पंपों पे नहीं आ रही। कल की पोजीशन देखें तो लगभग 100 पेट्रोल पंप केवल जयपुर ज़िले में ही ड्राई थे। अगर मैं गांव की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो कई अत्यधिक नंबर इससे ज़्यादा डीजल के बिना थे। हमने पिछले हफ्ते से प्रयास किया, शुक्रवार से कंपनी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा और उनसे रिक्वेस्ट करी कि डीजल की सप्लाई को बराबर बनाए रखा जाए, परंतु सोमवार को कोई खास सुधार नहीं हुआ। आज हमें उम्मीद है मंगलवार के दिन कुछ सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी ने अश्योर किया है कि आज वो डिपो में बैठेगा एक अधिकारी और वो देखेगा कौन कौन से पंप ड्राई हैं, उनको सप्लाई भेजी जाएगी। परंतु इस प्रक्रिया का आसान हल यही है कि रेट जो है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से या तो बढ़ाए जाएँ या एक्साइज ड्यूटी को और कम किया जाए और वैट को कम किया जाए, जिससे कि जनता को राहत मिल सके, महंगाई कम हो सके और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। अगर इसी प्रकार एक्साइज ड्यूटी और वैट लगी रही तो डीजल की सप्लाई आने में बाधा रहेगी और इस समय किसानों के लिए भारी दिक्कत एवं इंडस्ट्रीज के लिए भारी दिक्कत का समय है, क्योंकि बिजली की भी कुछ कमी है और किसानों की बुआई चल रही है, इसलिए उनको डीजल की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि रिलायंस और एसआर ने डीजल की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद कर दी है और अपने पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया है। इसकी करीब 15% बिक्री का असर सीधा सरकारी ऑयल कंपनियों पर आ गया है, परंतु एक राहत की खबर है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लगातार तेल दे रही है, इससे बाजार में असमंजस सी स्थिति नहीं है, परंतु लोगों को एक पंप से दूसरे पंप जाना पड़ता है ये पता लगाने के लिए कि डीजल उपलब्ध है या नहीं है। फिर तो रूल्स है जो सबके वाले बराबर होने चाहिए, IOCL तेल दे रहा है, BPCL, HPCL, क्या ये अघोषित राशनिंग कर रही हैं? इसको मैं राशनिंग नहीं कहूँगा, पर इसको बोलूँगा कि कुछ प्लानिंग में कमी रह गई। अगर प्लानिंग पूर्ण रूप से होती तो जो 15% बिक्री बढ़नी चाहिए थी उसके लिए अगर इंतजाम हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो क्या कंपनियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $121 है,
बताया जा रहा है कि 25 से 30 रुपए कंपनियों को डीजल के अंदर घाटा हो रहा है प्रति लीटर का, इसलिए इन्होंने ये सप्लाई रोक रखी। ये तो मुख्य कारण है ही कि घाटा होना किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है सरकार इस घाटे को आगे चल के पूरा करे, परंतु आज की स्थिति देखें तो हर कंपनी को 25 रुपए से लेकर 27 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा है, जो कि एक आसान घाटा वहन करना नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए वो वहन कर पा रही है, बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में आज क्रूड की समस्या की वजह से आगे सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। क्या यदि कीमतों में बढ़ जाती है तो क्या बीपीसी और एचपीसी वापस से सुचारू कर सकती है अपनी सप्लाइयों को? इधर मैं थोड़ा सा इससे अलग विचार रखता हूँ। इस समय महंगाई बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। अगर आपने देखा तो महंगाई इंडेक्स पीछे कम आया है, उसका मुख्य कारण है पेट्रोल डीजल। सरकार को इस समय अपनी एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी लानी चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले, कंपनियों को पूरा पैसा मिले और वो लगातार सप्लाई कर सके देश की उन्नति के हित में। देश की उन्नति के लिए सप्लाई कर सके। देखिए अभी जो कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है 11 बजे और फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर पेट्रोल जो पंप है वो ड्राई होने की कगार पर क्यों आ चुके हैं, क्योंकि लगातार ग्रोथ है वो बढ़ रही है, IOCL है लगातार अपने पंपों पर सप्लाई दे रहा है, लेकिन BPC और HPC दोनों ने ही सप्लाई कम कर दी है। यानी कि एक तरफ तो शुक्रवार को एक आदेश यहाँ पर फरमान जारी किया जाता है कि अग्रिम भुगतान यदि पेट्रोल पंप डीलर्स करेंगे तो उसके बाद ही तेल की सप्लाई दी जाएगी। सैटरडे और संडे का दिन वो रहता है जब बहुत क्राइसिस रहता है पेट्रोल पंपों पर। बगई साहब से जानना चाहेंगे, बगई साहब एक और उन्होंने फरमान जारी किया है कि आपको अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा और उसके बाद ही पेट्रोल दिया जाएगा, डीजल दिया जाएगा। ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक और आज से करीब 15 दिन पहले कंपनियां लगभग 5 दिन से लेके और 20 दिन तक का उधार दे रही थी और हम पे जोर दिया जा रहा था कि आप बिक्री बढ़ाएं, अब एकदम 24 घंटे के नोटिस में करीब करीब सारी कंपनियों ने सप्लाई के लिए एडवांस पेमेंट का नियम बना दिया है। आप सोचिए कि एक व्यापारी जो उधार बेच के आगे माल बेच रहा था, अचानक उसको एडवांस पेमेंट करना पड़े तो उसकी क्या स्थिति होगी। कई डीलरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो पेमेंट भी जमा नहीं करा पा रहे। हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे ऑयल कंपनियों से कि वो उधार वाला सिस्टम जो पहले जारी था आज भी जारी रखें, क्योंकि कंपनियां तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगी लेकिन एक छोटा व्यापारी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक हमारी चाकसू पेट्रोल पंप के डीलर से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो अपने आप में गहरी हैं और सीधे तौर पर इन समस्याओं का जो खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है और कई तरह के इन समस्याओं के बीच जो है एक नई ये समस्या आई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि राहत जल्द से जल्द जो है बीच का रास्ता निकाल कर जनता को दिया जाए। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। उधर जालौर के सांचौर में गोदाम में आग लगने की